वेलकम टू मेड बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत सी फ्रॉक अपने वेस्ट फैब्रिक से। हमारे साथ रहिए। वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आप देख रहे हैं मेरे पास पीस पड़े हुए हैं ये, और इसके साथ हम डिज़ाइन डालकर एक खूबसूरत सी फ्रॉक बनाएंगे, सिंपल सी, जो आसानी से सी जा सके और आपकी समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले हम इस ये जो हमारे पास दो ब्लैक पीस हैं, ये दो ज़्यादा हैं, तो इनमें से हम एक पीस जो ज़्यादा बड़ा होगा उससे हम ऊपर की फ्रॉक की बॉडी बनाएंगे। ये देखें, ये पीस हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो हम ये ले लेते हैं और इसको हटाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे। ठीक है, ये हमने लिया इसको, और या आप इससे पहले कई दफ़ा फ्रॉक की ये बॉडी देख चुके हैं कि हम किस तरह कटिंग करते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा इतना समझने वाली चीज़ नहीं है, बस ये है कि आप ये देख लें कि इसमें आप डिज़ाइन क्या डाल रहे हैं। ये रहा हमारा, और ये हमारी फ्रॉक तकरीबन हम बनाएंगे 3 ईयर बेबी, 3 से 4 ईयर बेबी की बनाएंगे। मेरे ख्याल से इसमें बहुत आराम से बन जाएगी। तो ये हमने लिया 7 इंच। ठीक है, अब हम इस पे जो है सबसे पहले हम यहाँ पे गले का अपना निशान लगाएंगे, नेक हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से ये हमने लिया हुआ है 2.5 इंच। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे यहीं से 2.5 इंच यहाँ, और उसके बाद ये हमारा आएगा 5 इंच हम लेंगे, और उसके बाद यहीं से हम निशान लगा देंगे इसको। ज़्यादा मैं निशान नहीं लगा रही यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें, ये हो गया हमारा। यहाँ पीछे मैंने जिप एरिया छोड़ा हुआ अपना, यहाँ पे मैंने कट का निशान लगा दिया दोनों तरफ ऊपर नीचे। अब हम इसमें करेंगे, हम इसका जो है ये नीचे का हम घेर लगाएंगे इसमें, स्कर्ट मतलब। ठीक है, यहाँ से हमें और अच्छा इसी में से हमें आस्तीनें निकालनी है अपनी, क्योंकि विंटर हमारा आने वाला है। आप फुल स्लीव, थोड़ी सी स्लीव बड़ी रख रही हूँ मैं इसमें। ये देखें, ये हमने लिया हुआ है 6 इंच है, थोड़ा सा कम करेंगे इसे। अब देख लें आप, ये हो गया हमारा 6 इंच से कटिंग करते हुए हम निकाल देंगे। ये हमारा स्कर्ट है, ये देखें। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा स्कर्ट, और इसको हम थोड़ा सा बराबर करेंगे। उसके बाद हम नीचे इसके नीचे फ्रिल लगाएंगे। अच्छा, इसमें से हम जो है आपको मैं बता दूं, ये मैंने बराबर कर लिया। अब इसमें से मैं तकरीबन 2 इंच की पट्टी निकालूंगी, जिसकी हम गले पे फ्रिल देंगे। ये जो है अब हमारे पास लेंथ बची है 7.5 इंच, और ये हमारे पास है 8.5 इंच, तो ये 8 होगा, ये हमारा 7 बचेगा। तो आपको देख रहे हैं आप इस वक्त हमारे 8 और 7 15 हो जाता है। तो अब जो नीचे हमारे पास ये पट्टी है, इससे हम नीचे फ्रिल देंगे, और उसके बाद वो हम लेंगे तकरीबन, क्योंकि हमें 15 इंच है, हमें चाहिए 22 इंच की फ्रॉक, तो हम यहाँ से लेंगे 7 इंच की। ये देख लें आप, 7 इंच की जब हम लेंगे तो ये हमारी पूरी पट्टी इस बहुत आराम से आ जाएगी इसके अंदर, सिर्फ हम इसको बराबर कर लेंगे। अब हमारे पास जो है ये पीस पड़ा हुआ है, ये इससे हम यहाँ पे फ्रिल लगाएंगे अपनी आस्तीन के पीछे, और जो ये वाला हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसकी हम जो है गले में फ्रिल लगाएंगे। इसकी भी लेंथ आस्तीन की मैं थोड़ी सी कम करूँगी, 7.5 इंच हम रखेंगे। और ये जो हमारे पास पीस बचा है हम इसी से फ्रिल लगाएंगे। चले हम स्टिच करने चलते हैं। ये आप देख रहे हैं हमने जिप लगा दी अपनी, और अब जिप लगाने के बाद जो है हम इसको जो है शोल्डर सीएंगे सबसे पहले अपना। ठीक है, इसको ये देखें, हम इसका शोल्डर रख के सीएंगे यहाँ पे, एक इसके ऊपर दोनों,
और उसके बाद जो है ये हमने आपको बताया था, ये फ्रिल मैंने 2 इंच की काटी थी, ये मैंने फ्रिल इस तरह तैयार करके रखी हुई है, तो वो हम फ्रिल इस पे पूरे पे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं बैक साइड तक जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये लगा के हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। ये देख रहे हैं इस तरह हमने इसके चारों तरफ फ्रिल लगा ली अपनी, ये जो हमने फ्रिल रेडी करके रखी थी। उसके बाद अब हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे अपनी फ्रिल के ऊपर, और उसके बाद फिर हम अपनी आस्तीन तैयार करेंगे। मैं पाइपिंग लगा के आपको सेट करके दिखाती हूँ, क्योंकि पाइपिंग इससे पहले मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, तो आपको पता है कि पाइपिंग किस तरह लगती है, तो हम इसे रेडी करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी ये इस तरह पाइपिंग मैंने लगा ली है इसके ऊपर। अब ये हमारी आस्तीन है, इसके इसके आगे हम इसकी फ्रिल लगाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसकी फ्रिल तैयार कर रही हूँ, और उसके बाद हम इसमें रेडी करेंगे, पहले इसके किनारे मोड़ेंगे, और उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बारीक बारीक फ्रिल बनेगी ये। ये देखिए हमने ये फ्रिल इस तरह तैयार कर ली है अपनी। पहले ये हमने नीचे से मोड़ा है इसकी सिम लाइन जो होती है, और ये हल्का सा हमने गैदर्स डाला है, मशीन से ही डाला है इसको, और अब हम इसको इसमें लगाएंगे इस तरीके से। जहाँ ये जो है हमारी आस्तीन में जहाँ गैदर्स हमें ज़्यादा लगेगा, हम हल्का सा लगा देंगे। ये देखेंगे इस तरह हमारी गैदर्स आएंगे ये। अब हम इसको बिल्कुल किनारे पे इस पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये ब्लैक धागे से कर रही हूँ मैं। ये देखें हमारी आस्तीन जो है ये रेडी हो चुकी है। अब हम एक आस्तीन आपको कम्प्लीटली करके दिखा रहे हैं, हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ये शोल्डर के लिए मैं नोचेस लगाऊंगी यहाँ पर, ये देखिए ये हमने लगाया ये। और उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें हल्की सी हमें यहाँ पे चुन्नट देने की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये बिल्कुल मामूली सी हल्की सी आएगी यहाँ पर हमारे। ये देखिए हमारी आस्तीन इस तरह रेडी हो गई है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए इस तरह आ जाएगी। अब हम दूसरी आस्तीन लगाएंगे, उसके बाद ये साइडें मोड़कर, उसके बाद हम अपने स्कर्ट की तैयारी करेंगे। आप ये देख रहे हैं हमारी दोनों आस्तीनें लग चुकी हैं, और ये हमने पीछे के लिए बेल्ट तैयार करी है ब्लैक कलर ही की। पहले मैं यहाँ बेल्ट लगाऊंगी, उसके बाद हम इसे साइडें सीकर हम अपनी फ्रॉक का स्कर्ट तैयार करेंगे, और वो लगाएंगे इसके अंदर। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब हम इसको इसकी साइडें सियेंगे, और उसके बाद जो है हम अपना स्कर्ट रेडी करेंगे। आप ये देख रहे हैं एक तरफ हमारी सिलाई आई है, दूसरी तरफ हमने ये नोचेस लगा दी हैं अपने, और ये हमारा जो है नीचे का फ्रिल है, जो इसका जो है ये मैं बता दूं कि इसका तकरीबन ये जो हमारा असल फ्रिल है इससे तकरीबन ये 1.5 हाफ ज़्यादा है, समझ लें आप, ठीक है। तो ये मैं पूरी लेंथ आपको बता सकती हूँ कि ये मेरी कितनी कितनी है, क्योंकि ये हमने जो है बचे हुए कपड़ों में टुकड़ों से बनाया है, तो जो आपके टुकड़े जितने होंगे आप उस हिसाब से ही। तो ये देखें आप इसकी विड्थ देखें कितनी हो रही है, 23 इंच हो रही है। और हमारे जो इस फ्रिल की जो विड्थ है ये मैं आपको बता दूँ, ये हो रही है हमारी, ये देखें ये हो रही है तकरीबन 42 इंच, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर जो है ये, क्योंकि आप, और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप कम भी फ्रिल लगा सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा घेर वाली हो। तो ये जो है हम इसको इस तरह से पूरे नीचे हिस्से में चुन्नट लगाएंगे हल्की हल्की सी करके, जिस तरह हमने आस्तीनों पे लगाई है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए इस तरह हमने फ्रॉक में अपने पूरे घेर में चुन्नट लगा ली है, और इसी तरह ये जो हमारा फ्रिल था जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें भी हमने फ्रिल लगा कर चुन्नट लगा ली है, और ये इस तरह हमारी फ्रॉक इस तरह से रेडी हो जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये हमारी फ्रॉक तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। अब इसमें जो है हमें यहाँ पर एक बो बना के लगानी है, जो ये मेरे पास ये पीस पड़ा हुआ है जो बचा था हमारा, तो हम इसकी जो है खूबसूरत सी बो बना के यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर। और उसके बाद जो है ये जो हमारे पीस सिल जो हमारे ये जो आप कह लें जोड़े या ये जगह है, यहाँ पर हम एक अपनी बेल लगाएंगे ताकि ये खूबसूरत लगे, और यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, ये मैं लगा के आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने जो आपको लेस बताई थी वो मैंने लगा ली है पूरे अपने घेर पे, और यहाँ आस्तीन पे जहाँ पे हमने ये फ्रिल लगाई हुई है, बाकी कहीं और नहीं लगाई है ये हमने, और बस ये दो जगह लगाई है फ्रिल हमने, लेस लगाई है ताकि ये हमारी फ्रॉक मज़ीद खूबसूरत लगे। और उसके साथ ही ये देखें आप फ्रंट पे देखें हमारी फ्रॉक कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको हमारी फ्रॉक पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much.